साथियों, आज हनुमान जयंती पर आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही है। हो सकता है आप में से बहुतों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी, मीडिया का काम था ये बात पहुंचाए लेकिन नहीं पहुंचाई होगी। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहू लुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए, अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है, और राजस्थान तो खुद इसका भुक्त भोगी रहा है। अब सीधी सीधी बात है, जब उनके पार्टी, उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, मंदिर के लोग जाके रूबरू में आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मान पूर्वक निमंत्रण दे, और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए, तो उनके चेले चपाटे भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे? भाई कुछ दिन पहले ही रामनवमी बीती है, कांग्रेस के जाने के बाद पहली बार शांति से शोभा यात्रा निकली है पूरे राजस्थान में, वरना पहले और चुनाव की आपाधापी गर्मी होने के बावजूद भी कांग्रेस ने तो, और हमारे यहां तो सूरज की पहली किरण का स्वागत भी राम राम सा से होता है, राम राम सा। कोई किसी को मिले तो पहले मूल से निकलता है राम राम सा। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में राम नवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। और हमारे किरोड़ी लाल ऐसे हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ते थे। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। इसी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण के लिए मालपुरा, करौली, छबड़ा, टोंक, जोधपुर को दंगों की आग में झोंक दिया था। झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? कैसे लोगों को माफ करोगे? अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है।